नमस्कार, मैं उप्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। चलिए जानते हैं देश विदेश की 11 प्रमुख खबरों को। बॉलीवुड इंडस्ट्री ने खोया एक और सितारा। साल 2020 बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए शोक भरा साबित हुआ है। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने आज अपने मुंबई के घर में जान दे दी है। हालांकि अभी तक सुशांत सिंह राजपूत के इस कदम के किसी ठोस वजह का पता नहीं चल पाया है। आपको बता दें, सुशांत सिंह राजपूत बॉलीवुड के बेहद ही लोकप्रिय एक्टर थे। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत टीवी से की थी, जहां पर उन्होंने पवित्र रिश्ता में काम करके अपने करियर की शुरुआत की थी, जिसके बाद सुशांत सिंह राजपूत ने एमएस धोनी, काईपोचे, शुद्ध देसी रोमांस जैसी तमाम फिल्मों में भी काम किया था। हालांकि सुशांत के इस कदम से पूरा बॉलीवुड इंडस्ट्री फिलहाल हैरान चल रहा है। पतंजलि ने कोविड 19 के आयुर्वेदिक इलाज को खोजने का किया दावा। पतंजलि के सीईओ आचार्य बालकृष्ण ने बीते दिन यह दावा किया है कि कोविड 19 का संक्रमण जितनी तेजी से फैल रहा था, उतनी ही तेजी से आयुर्वेद इसके इलाज को ढूंढने में लगा हुआ था। और यही कारण है कि कंपनी की ओर से काम कर रहे वैज्ञानिकों की एक टीम ने बीते दिन रात मेहनत करके ऐसे कंपाउंड को खोज निकाला है जो कोविड 19 से मुकाबला करने में सक्षम है। आपको बता दें, आयुर्वेदिक तौर पर तैयार किए गए यह औषधि इलाज का पहला ट्रायल पूरा हो चुका है, जिसमें दवा का 100% रिजल्ट आया है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि सैकड़ों मरीज इस को लेने के बाद ठीक हो गए हैं और अगले 3 से 4 दिन में इसके बारे में डेटा का पूरा विवरण दुनिया के सामने रख दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया है कि जब से कोविड 19 फैलना शुरू हुआ था, तब से ही हमारे वैज्ञानिकों की टीम और अध्ययन के लिए लगा दिया गया था। हमारे वैज्ञानिकों ने दिन रात मेहनत करके कोविड 19 की चपेट में आए लोगों को ठीक करने के लिए जड़ी बूटियों की पहचान करने लगे, जिसके तहत आचार्य बालकृष्ण के दावे के अनुसार गिलोय, अश्वगंधा, तुलसी युक्त इलाज कोविड 19 के फैलते संक्रमण को रोकने में बेहद ही कारगर साबित हुआ है। बिहार की रिकवरी रेट का 50% होने का किया गया दावा। भारत में बंद के खोले जाने के बाद से देश में कोविड 19 के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसी बीच स्वास्थ्य विभाग ने सभी लोगों को थोड़ी राहत भरी खबर सुनाई है, जिसके तहत स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि दुनिया भर में कोविड 19 के मामलों की तुलना में भारत में ठीक हो चुके लोगों की संख्या ज्यादा है। वहीं भारत में भी रिकवरी रेट की बात करें तो 50% को छूने के करीब है। जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार दुनिया भर में अब तक कोविड 19 की चपेट में 78,54,879 लोग आ चुके हैं, जो कि 4,00,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। पॉजिटिव पाए गए मामलों में अब तक 34,05,411 मामले पॉजिटिव हैं। वहीं इसी बीच लोग जो भी इसकी जद में आए हैं, उनका इलाज जारी है। वहीं भारत की बात करें तो यहां पर रिकवरी रेट 50% पर लगभग पहुंच गई है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक शनिवार शाम तक देश में 1,54,329 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं कोविड 19 को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह आज दिल्ली पर चर्चा के लिए केजरीवाल के साथ बैठक भी करने वाले थे। इस बार के मॉनसून से किसानों को मिलेगी राहत। प्री मॉनसून बारिश कई राज्यों में पहले के मुकाबले अच्छे स्तर पर देखने को मिली। अब मॉनसून की बारिश से किसानों की बुआई के लिए तैयारी करने का समय ज्यादा मिल गया है और यही कारण है कि मौसम विभाग की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार इस बार मॉनसून पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और उड़ीसा के ज्यादातर इलाकों में पहुंच चुका है और यह बिहार और झारखंड में पहुंचने वाला है। वहीं बिहार के पूर्वी क्षेत्र में प्री मॉनसून बारिश देखने को भी मिली है और जल्द ही पूरे बिहार में इसका असर भी देखने को मिल जाएगा। मौसम विभाग की माने तो अगले 24 घंटे में जिन राज्यों में बारिश होने वाली है, राज्यों के किसानों को काफी ज्यादा फायदा मिलने वाला है, जिसकी वजह से धान समेत खरीफ फसल की बुआई के लिए किसान को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। प्री मॉनसून में अच्छी बारिश होने के कारण खेत पहले से ही तैयार थे। अब मॉनसून की बारिश सही समय पर होने से किसानों की बुआई में काफी मदद मिलेगी। वहीं इस बार बिहार झारखंड के किसान बारिश को लेकर काफी ज्यादा प्रसन्न नजर आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि अगर समय पर बुआई होती है तो पैदावार भी ज्यादा होने की उम्मीद बढ़ जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आर्थिक सलाहकार ने आत्मनिर्भर राहत पैकेज पर उठाया सवाल। कोविड 19 के माहौल के बीच अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिनों पहले 20,00,000 करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर पैकेज की घोषणा की थी, जिसके बाद इस पैकेज को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कई सारे चरणों में पूरी जानकारी भी दी थी। हालांकि सरकार के राहत पैकेज पर शुरू से ही विपक्षी दलों की आलोचना सुनने में मिलती थी। वहीं प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद की सदस्य आशिमा गोयल ने भी राहत पैकेज पर सवाल उठाया है, जिसके तहत उन्होंने PHED चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की एक वर्चुअल को संबोधित करते के दौरान कहा है कि आर्थिक पैकेज अपने आप में हर तरह से पूर्ण नहीं है। पैकेज में खामियां दूर करने और इसे बेहतर बनाने की गुंजाइश है। उन्होंने आगे कहा कि ज्यादातर यही देखने को मिल रहा है कि द्विपक्षीय क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए मांग और सप्लाई का तालमेल बहुत जरूरी है, इसलिए इस आर्थिक पैकेज में सुधार संभव है। किसान के बेटे से लेकर टैक्सी ड्राइवर के बेटे तक ने लिया देश सेवा का संकल्प। बीते दिन भारतीय सैन्य अकेडमी में पासिंग आउट परेड का आयोजन करवाया गया था, जहां पर देहरादून के नवनियुक्त अधिकारी सार्थक धवन के लिए यह एक सपने जैसा था। देहरादून के रहने वाले सार्थक धवन ने बीते दिन पासिंग आउट परेड में हिस्सा लिया था। धवन के पिता 30 साल से अधिक समय से स्कूली छात्रों का ऑटो रिक्शा चलाते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने अपने माता पिता को हर चीज के लिए संघर्ष करते देखा है और मैं हमेशा उन्हें गर्व महसूस कराना चाहता था। आपको बता दें, धवन ने पहले नेशनल डिफेंस अकेडमी में अपनी ट्रेनिंग पूरी की थी। वहीं दूसरी तरफ पंजाब के एक किसान के बेटे आकाशदीप ढिल्लन ने भी भारतीय सैन्य अकेडमी की पासिंग आउट परेड के बाद देश की सेवा का संकल्प लिया है। आकाशदीप को जाने माने पैराशूट रेजिमेंट मिली है।
राजदीप ने कहा है कि जब मैंने कपूरथला में सैनिक स्कूल में दाखिला लिया था तब मैंने सेना में भर्ती होने का सपना देखा था और आखिरकार वह साकार हो गया है। मुकेश अंबानी कंटेंट के जरिए नेटफ्लिक्स में एंट्री की कर रहे हैं तैयारी। मुकेश अंबानी वर्तमान समय में एशिया के सबसे सफल बिजनेसमैन है क्योंकि उनके अंदर भविष्य की संभावनाओं को बखूबी समझने और उसी हिसाब से बिजनेस के अंदाज को बदल देने की क्षमता है, जिसका प्रमाण हाल ही में भारत में डिजिटल रुख में किए गए बदलाव में देखने को मिला है। जियो प्लेटफॉर्म के माध्यम से अनिल अंबानी ने भारत में डिजिटल प्रोग्राम को पूरी तरीके से बदल दिया है। वही अगर हम खबरों की माने तो जल्द ही अनिल अंबानी OTT सर्विस नेटफ्लिक्स के साथ साझेदारी करने में जुट गए हैं। एक मीडिया हाउस की रिपोर्ट के अनुसार पार्टनरशिप के तहत नेटवर्क एयरटेल नेटफ्लिक्स के लिए प्रोग्राम और शो के प्रोड्यूसर करेगी और फिर उसके बाद पूरे देश में अपने विस्तार करेगी। खबरों की माने तो यह डील के तहत रिलायंस नेटफ्लिक्स के लिए 10 शो प्रोड्यूस कर सकती है। फिलहाल बातचीत शुरुआती चरण में है, इस बात की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। आपको बता दें नेटफ्लिक्स की सीधी बातचीत वायाकॉम 18 से हो रही है जो नेटवर्क 18 के टीम के साथ ज्वाइंट वेंचर में है। वायाकॉम 18 रिलायंस जियो की सब्सिडियरी कंपनी है। रामविलास पासवान ने मोदी सरकार द्वारा गरीबों की मेहनत की कमाई को सुरक्षित किए जाने का किया दावा। उक्त दावा केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने किया था, जिसके तहत उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में गरीबों और छोटे निवेशकों की मेहनत की कमाई को सुरक्षित किया है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिटफंड कानून में संशोधन किया और कानून बनाकर और नियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध लगाया। इससे गरीब और छोटे निवेशकों की मेहनत की कमाई पूर्ण सुरक्षा हेतु उनके पास ही रह गई। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें चिटफंड कानून से छोटे कारोबारियों और गरीब लोगों के लिए निवेश का स्रोत माना गया है। कुछ पक्षकारों ने इसके लिए थोड़े समय पहले चिंता जताई थी लेकिन उसके बाद सरकार ने एक परामर्श समूह बनाया था। वही चिटफंड 1982 के मुताबिक कोई भी शख्स या लोग समूह में एक साथ समझौता कर सकते हैं। कोविड-19 के खिलाफ जारी जद्दोजहद में दिल्ली के होटल को बनाया जाएगा कोरोना वार्ड। कोविड-19 के मामले भारत में तेजी से फैलते जा रहे हैं, वहीं इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में राजधानी दिल्ली का नाम शामिल है, जिसके बाद अब दिल्ली सरकार ने बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए लोगों की मदद के लिए अहम फैसला सुनाया है। एक मीडिया हाउस की रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के खिलाफ सरकार की योजना करीब 44 होटल और 77 बैंक्वेट हॉल को कोविड-19 वार्ड में बदलने की तैयारी में है, जिससे कि यहां के स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतरी के लिए 15,800 अतिरिक्त बेड का इंतजाम किया जा सके। इसके परिणाम स्वरूप बीते दिन दक्षिण दिल्ली के 2 बड़े होटल बसंत कॉन्टिनेंटल और हयात रीजेंसी में अस्पतालों के बेड के लिए कमरे की व्यवस्था करने को कहा गया है। आपको बता दें राजधानी दिल्ली में कोविड-19 के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। शनिवार को दिल्ली में 2,134 मामले सामने आए थे, जिसके बाद 22,742 मामले अभी भी पॉजिटिव है। हालांकि दिल्ली में इस वक्त कोविड-19 मरीजों के लिए प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में 9,698 बेड की कैपेसिटी ही मौजूद है, जिसको देखते हुए सरकार ने उक्त फैसला लिया है। 30 दिन के बाद बदल जाएगा ATM से पैसे निकालने का नियम। कोविड-19 के मद्देनजर देश भर में अनलॉक 1 को लागू कर दिया गया है। इसी क्रम में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 24 मार्च को ही ATM चार्जेस को 3 महीने के लिए हटाए जाने का फैसला सुनाया था, जिसके बाद सभी ATM कार्ड होल्डर्स को भी यह सुविधा मिली थी और वह किसी भी बैंक में ATM से कैश निकासी कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें अतिरिक्त ट्रांजैक्शन का कोई चार्ज नहीं देना होगा। यह छूट अप्रैल, मई और जून महीने के लिए थी क्योंकि अब छूट की आखिरी समय सीमा खत्म हो गई है। वित्त मंत्रालय और बैंकों की तरफ से आगे जारी रखने के बारे में कोई जानकारी साझा नहीं की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बैंक सेविंग्स अकाउंट में औसत न्यूनतम बैलेंस रखने की बाध्यता को भी 3 महीने के लिए हटाने का ऐलान किया था। इतना ही नहीं, वित्त मंत्री द्वारा डिजिटल पे ट्रांजैक्शन को भी घटाया गया था, जिस पर वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया था कि यह फैसला कैश निकालने के लिए कम से कम संख्या में लोग बैंक शाखाओं में जाए इसलिए लिया गया था। देश के कई हिस्सों में आज देखने को मिल सकती है झमाझम बारिश। मौसम विभाग की तरफ से जारी किए गए पूर्वानुमान के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण आज बारिश का अनुमान जताया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप दिल्ली NCR में बारिश हो सकती है। इसके अलावा पंजाब हरियाणा के कुछ हिस्सों में भी हल्की बारिश पड़ने का अनुमान लगाया गया है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी बारिश होने के संकेत दे दिए गए हैं। वहीं मौसम विभाग की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार तेलंगाना कर्नाटक गोवा क्षेत्र में आज काफी तेज बारिश होने की संभावना जताई गई है। इन राज्यों के लिए मौसम विभाग ने भारी बारिश की संभावना जताते हुए अपना पूर्वानुमान जारी कर दिया है, जबकि राजस्थान और इससे सटे इलाकों में आने वाले 2-3 दिनों तक बारिश का कोई आसार नहीं होने की बात कही गई है। हीरा फैक्ट्री के 23 वर्कर मिले कोविड-19 पॉजिटिव। सूरत के हीरा फैक्ट्री के मजदूर कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। खबरों की माने तो पॉजिटिव पाए जाने वाले मजदूरों की संख्या 23 बताई गई, जिसके बाद प्रशासन ने सभी फैक्ट्रियों को बंद कर दिया है। वहीं प्रशासन ने इन फैक्ट्रियों में काम करने वाले स्टाफ को 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन पर भी भेज दिया है। खबरों की माने तो सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने इस बाबत कहा है कि कतार ग्राम में स्थित इन हीरो की फैक्ट्रियों में कुछ फ्लोर और यूनिट को बंद कर दिया गया है ताकि कोविड-19 को रोका जा सके। आपको बता दें सूरत में देश की सबसे बड़ी हीरा की कटिंग और पॉलिशिंग फैक्ट्रियां मौजूद है, जिसके बाद नगर निगम ने भी अपना बयान जारी करते हुए साफ कहा है कि जिन यूनिट में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा उन पर ₹10,000 का जुर्माना भी लगाया जाएगा, क्योंकि बार बार सभी लोगों को यही समझाया गया है कि भले ही काम की शुरुआत की जा रही हो मगर कारखाने के अंदर लोगों के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग का होना साथ ही कोविड-19 के रोकथाम के लिए जारी किए गए गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य है।
विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार पहुंचा 500 अरब के पार। भारत में विदेशी मुद्रा भंडार में अचानक से तेजी देखने को मिली है। खबरों की माने तो भारत के विदेशी मुद्रा भंडार 5 जून को समाप्त सप्ताह 8.22 अरब डॉलर बढ़कर पहली बार 500 अरब डॉलर के स्तर के पर पहुंच गया है। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार इस दौरान विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 501.70 अरब डॉलर हो गया है, जिसका कारण विदेशी मुद्रा हास्तियों में भारी वृद्धि को बताया जा रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार ने जिन धनराशि को जारी किया है उसको एक साल के आयात के खर्च के बराबर बताया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के देश के मुद्रा भंडार की वर्तमान पर विस्तृत जानकारी साझा की है। साझा की गई जानकारी के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार 1.3 अरब डॉलर से बढ़कर 493 हो गया है, जो कि देश के 12 महीने के आयात के बराबर है। पेट्रोल डीजल के दाम में लगातार हो रहा है इजाफा। कोविड-19 के इस माहौल के बीच भारत में पेट्रोल की कीमत रुकने का नाम नहीं ले रही है, जिसके परिणाम स्वरूप लगातार 8वें दिन पेट्रोल डीजल की कीमत में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिसके तहत पेट्रोल की कीमत में 62 पैसे और डीजल की कीमत में 64 पैसे की वृद्धि देखी गई है, जिसके बाद राजधानी दिल्ली में मिलने वाले पेट्रोल की कीमत 75.78 रुपये हो गई है। वहीं डीजल की कीमत 74.03 रुपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि शनिवार को पेट्रोल की कीमत 75.16 रुपये प्रति लीटर हो गई और डीजल की कीमत 73.39 रुपये प्रति लीटर दर्ज की गई थी। खबरों की माने तो कंपनियों ने 82 दिनों तक कीमतों की समीक्षा को स्थगित रखने के बाद रविवार को लागत के अनुरूप फेरबदल की शुरुआत की थी। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दामों में वापस से तेजी लौटने लगी है, जिसका असर घरेलू स्तर पर पेट्रोल डीजल की कीमत पर पड़ने लगा है। ब्रैडमैन के बाद कप्तान विराट कोहली को मिल सकती है यह शीर्ष उपलब्धि। कप्तान विराट कोहली की बल्लेबाजी का कायल दुनिया का हर एक खिलाड़ी है। वहीं इस बीच श्रीलंकाई टीम के पूर्व कप्तान कुमार संगकारा का मानना है कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज ब्रैडमैन के बाद विराट कोहली सबसे महान क्रिकेटर बनकर उभर सकते हैं। संगकारा का मानना है कि ब्रैडमैन को व्यापक रूप से सर्वकालिक महान बल्लेबाज के रूप में स्वीकार किया जाता है और यही उपलब्धि जल्द ही विराट कोहली को भी मिल सकती है। सिर्फ संगकारा ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली को दमदार बल्लेबाज के रूप में स्वीकार कर चुके हैं। एक मीडिया हाउस के लाइव चैट के दौरान संगकारा ने कहा कि विराट अभूतपूर्व रूप से फिट है और मुझे पता है कि मैंने उनकी प्रतिबद्धता और उनके बारे में सबसे अच्छा होने के लिए मानसिकता और कुशलता से मैदान और मैदान के बाहर जाना है, यह हमेशा देखने को मिला है। उनके पास सबसे महान बनने का अवसर है। किसी भी बल्लेबाज ने तीनों प्रारूपों में विराट कोहली जैसी शानदार पारियां नहीं खेली है। आपको बता दें, विराट कोहली ने अब तक के अपने करियर में 70 शतक और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 104 शतक लगाए हैं। उन्होंने अपने नाम पर 43 शतकों के साथ एक दिवसीय मैच में सबसे ज्यादा शतक की सूची में दूसरा स्थान पर प्राप्त किया है। चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार पूरी दुनिया भर में अब तक का सबसे शानदार बल्लेबाज कौन रहा है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।